हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको कॉनिक सेक्शन क्या होता है और उसके चार जो कर्व्स थे वो सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। उसका फर्स्ट पार्ट में आज ले रहा हूं सर्कल। सर्कल का हमने बताया था किस तरह से मिलता है सर्कल। अगर हम किसी भी कोण को किसी प्लेन से कट करते हैं और जो बीटा एंगल बताया था हमने बिटवीन द एक्सिस ऑफ द कोनिक एंड प्लेन के बिटवीन, ये आपका प्लेन है, ये वाला एंगल बताया था हमने बीटा, ये अल्फा बताया था और सर्कल बताया था हमने मिलता है तब जब बीटा 90 डिग्री होता है, ये वाला। तो ये सर्कल फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था फर्स्ट पार्ट इसका। तो ये सर्कल बनता है इस तरह से। इसके बारे में हम मैथमेटिकली कंडीशन और इसके इक्वेशन बताएंगे आज। तो इसका फिगर जो है 2D में जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। इस तरह से, और जिसका हमने सेंटर लिया है ओरिजिन पर, ठीक है ना, और कोई भी जनरल पॉइंट ले लेते हैं यहां पर कहीं भी PX, Y, और ये सेंटर ऑफ दी सर्कल और रेडियस है ये आर है। तो लोकस ऑफ दिस पॉइंट, अगर ये कांस्टेंट रहती है तब रेडियस इसका लोकस इस पॉइंट का वो होगा एक सर्कल। मैं आपको बता दूं सर्कल का मैथमेटिकल जो डेफिनेशन कहेंगे वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे हम कि सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। देखो मैं बता रहा हूं, सर्कल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है कोई वेरिएबल पॉइंट, और लोकस का मतलब जो होता है ना, लोकस का मतलब जो होता है मैथ में वो होता है पाथ, मतलब लोकस का मतलब पाथ। तो इस पॉइंट का पाथ इसे मूव कराते हैं जिसकी डिस्टेंस किसी फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट रहे, जिसे हम कहेंगे सेंटर जो फिक्स पॉइंट है और ये वेरिएबल पॉइंट है, ये डिस्टेंस कांस्टेंट रखते हैं। अगर हम आर है तो आर ही रहे, जैसे 7 लिया हमने यहां पर ये डिस्टेंस, तो 7 रखते हुए इसे मूव कराएं आप, तो इसका जो पाथ बनेगा वो बनेगा एक सर्कल। ये बात क्लियर हो गई आपको कि इसका अगर जो पाथ बनेगा इसको कांस्टेंट रखते हुए तो ये बाउंडेड होगा ऐसे मूव करने के लिए, ये मूव करने के लिए ऐसे बाउंडेड होगा। ये आर है, आर ही रहेगा सब जगह, ये आर है, ये भी आर है। तो सर्कल का डेफिनेशन को रटने की जरूरत ही नहीं है, जो दिख रहा है वैसा ही है कि सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये सर्कल का डेफिनेशन हो गया मैथमेटिकली ना, जो बताया था हमने कि सर्कल किस तरह से बनता है, कॉनिक सेक्शन का एक पार्ट है, और इसका डेफिनेशन ये हो गया। हम बात करते हैं इक्वेशन की। इक्वेशन में भी कुछ नहीं है, इक्वेशन में क्या है, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता है नहीं, अगर इसका सेंटर हम मानते हैं ओरिजिन पर तो इसका कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0। अब इनके बिटवीन डिस्टेंस अगर फाइंड करें डिस्टेंस फॉर्मूले से तो क्या होगी ओपी, ओपी जो होगा वो होगा रूट ऑफ एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर, वाई माइनस 0 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला वही, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर का होल रूट, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। और जो हमने ओपी लिया था वो हमने आर लिया था, इसको हम आर से रिप्लेस कर सकते हैं ओपी को, तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू रूट ऑफ, देखें एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, वाई माइनस 0 होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हो जाएगा ये आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही इक्वेशन है सर्कल का जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, जिसका सेंटर
ओरिजिन पर है, ये हो गया इक्वेशन। इसे अगर हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हम लेते हैं जब सेंटर ओरिजिन पर नहीं होता तब क्या होगा, अगर सेंटर ओरिजिन पर ना हो, अदर देन ओरिजिन हो, तो किस तरह से बनाएंगे हम उसे और किस तरह से इक्वेशन होगा उसे हम देखते हैं। इसे देखते हैं यहां पर, हम देखें यहां पर देखते हैं इसे, ये सेंटर है, इसे मान लेते हैं एच कॉमा के, अभी सर्कल हमारा है ये, मान लेते हैं ये सर्कल है जिसका रेडियस है आर, ये पॉइंट है कोई पी एक्स कॉमा वाई। अब बताइए दोबारा से वही सेंटर सी मान लेते हैं इसे, जो ओरिजिन पर लिया था हमने, इस बार लिया अदर देन ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट जीरो जीरो नहीं होंगे, एच कॉमा के कुछ भी हो सकते हैं, टू कॉमा थ्री फाइव कॉमा फोर इस तरह से, और ये जनरल पॉइंट है। दोबारा से हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, अप्लाई करते हैं इसमें, तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा बताओ, आर जो डिस्टेंस निकालते हैं सी पी, वो क्या होगा, सी पी कष्ट हो जाएगा रूट ऑफ एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर, और सी पी क्या है, सी पी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो दिस विल बी आर इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आर स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ऑफ, रूट ऑफ हट जाएगा ये रूट, स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा स्क्वायरिंग करने पर, तो हो जाएगा ये एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर। इसे आप रीराइट करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस एच, कौन से जो तुमने मिटाया ना साफ है मिटी, ये वाले अच्छा आ रहा है ना, सही आ रहा है, हाँ सही आ रहा है, लेकिन ये कुछ देर मिटाया ना अच्छी तरह, और उसके ऊपर लिख दिया दिखाई कैसे देगा, फिर से शुरू करो इस लाइन से। चलो स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्केयर इक्वल्स टू एक्स माइनस एच होल स्केयर प्लस प्लस वाई माइनस के होल स्केयर, ये हो जाएगा। तो इक्वेशन हो गई सर्कल की, क्या इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे, एक्स माइनस एच होल स्केयर प्लस वाई माइनस के होल स्केयर इक्वल्स टू आर स्केयर। ये एक हो गया सर्कल का इक्वेशन, ये जब सेंटर ओरिजिन पर नहीं है तब, और एक हो गया ये जब सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर है तब, रेडियस वही है। अब अगर हम कहें कि डायरेक्ट ये दे रखा है इस फॉर्म में इक्वेशन, जैसे यहाँ लिखा है इस तरह से, एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, अब एग्जांपल है ये, किसे लिखा है यहाँ पर x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस y प्लस फाइव होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25, और पूछा है सेंटर बताइए और रेडियस बताइए इसमें, तो आप इसका कंपेरिजन कराएंगे इससे, इस वाले से। तो यहां पर आपने देखा है एच और के क्या है, सेंटर, एच और के सेंटर है, तो यहां पर एच और के की वैल्यू देखो क्या होगी, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसे अगर इस फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे इसे, इसे लिखेंगे कुछ इस तरह से, एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, सही है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, एच की वैल्यू टू हो गई, प्लस वाई माइनस माइनस फाइव और इसका होल स्क्वायर, इसे आप ब्रेसेस में ले सकते हैं इक्वल्स टू फाइव स्क्वायर। अब बताइए ये वाला कंपेरिजन करते हैं इक्वेशन इससे, तो एच और के की वैल्यू क्या होगी और आर की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली एच कॉमा के होगा, एच कॉमा के क्या होगा बताओ, एच कॉमा के होगा, एच कॉमा के कष्ट हो जाएगा टू कॉमा माइनस फाइव, क्योंकि यहां प्लस फाइव हो गया है, माइनस माइनस होगा तो ही प्लस हुआ होगा यहां पर, ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ द सर्कल। और रेडियस जो आर है, आर स्क्वायर कितना बताओ, आर स्क्वायर कितना है यहां पर 25 है, 25, तो आर के लिए कितनी हो गई 5 हो गई, तो ये हो गया सेंटर ऑफ द, ये हो गया रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल।